हे गाइस, दिस का स्वागत है आपका ब्लास्टर न्यूज में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अमित भड़ाना के बारे में। तो भाई अमित भड़ाना ने आज अपने इंस्टा स्टोरी में कुछ स्टोरीज अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल उनके लिए ये रूमर्स फैला रहे थे कि भाई अमित भड़ाना आपको नेक्स्ट सीजन बिग बॉस 14 में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई अमित भड़ाना ने अपनी स्टोरीज के थ्रू ये क्लियर कर दिया कि भाई उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है बॉलीवुड या बिग बॉस में जाने का। क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब? तो कई दिनों से काफी न्यूज़पेपर्स मेरे बारे में आर्टिकल्स छाप रहे हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूं। तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये एक फेक न्यूज़ है, इसे मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूं। मेरी कोई रुचि नहीं है बिग बॉस में जाने की, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई बैड फीलिंग्स है। बस ये है कि अपने गोल्स अलग हैं, अपने एम अलग हैं, उन सब में बिग बॉस, बॉलीवुड ये कभी फिट ही नहीं होता। कभी बॉलीवुड, बिग बॉस प्रायोरिटी नहीं रही, अपने प्रायोरिटी यूट्यूब है। और यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेटर कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं, जिस दिन लगेगा टाइम इज ओवर तो टाइम इज ओवर। मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा दिन कभी आने नहीं देंगे। तो मेहनती हम बंदे हैं और अच्छी चीज में हम बिलीव करते हैं, बाकी बिग बॉस नहीं, ओनली यूट्यूब। तो चलिए अब हम बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो भाई आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टा स्टोरी में अपडेट करते हुए कहे कि भाई आशीष चंचलानी इंटरनेट ब्रेक पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जिसका रीजन उन्होंने कुछ अपने पर्सनल इश्यूज बताया। लेकिन भाई घबराने की बात नहीं है, वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को उनकी टीम ऑपरेट करेगी। उन्होंने कुछ इंस्टा स्टोरी अपडेट की, अगर आपको पढ़ना तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं योयो हनी सिंह के बारे में। तो भाई योयो हनी सिंह ने अपना गाने का पोस्टर रिलीज कर दिया, जिसका नाम है बिल्लो तू आग, जो कि रिलीज होने वाला है 17 अगस्त को। तो भाई देखना है कि हनी सिंह का ये गाना इस बार कितने रिकॉर्ड तोड़ता है, क्योंकि भाई इस बार हनी सिंह अपने ओल्ड लुक में नजर आने वाले हैं, जो कि आज से 2-3 साल पहले दिखाई देते थे। एंड भाई हनी सिंह के रिगार्डिंग एक और अपडेट है, हनी सिंह ने अपने इंस्टा आईडी का यूजर नेम चेंज कर दिया। पहले था YYH सिंह ऑफिशियल, लेकिन अब हो गया है योयो हनी सिंह। तो चलिए अब हम बात करते हैं बादशाह के बारे में। तो भाई हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया, जिसके अकॉर्डिंग बादशाह ने 72 लाख रुपया देकर अपने सॉन्ग पर व्यूज खरीदे थे, ताकि वो एक रिकॉर्ड सेट कर सकें। तो भाई अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो बादशाह के रिप्लाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर इस बारे में कोई भी अपडेट आता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं विनोद के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, ये नाम कितना ज्यादा वायरल हो चुका है। अब ये लोगों के वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर किसी की लाइव स्ट्रीम में ही स्पैम नहीं हो रहा, अब ये बहुत ऊंची ऊंची कंपनियों तक पहुंच गया है। पेटीएम ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम चेंज करके विनोद कर दिया है। स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड भाई विनोद के रिस्पॉन्डिंग स्ले पॉइंट ने एक और वीडियो बना दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई विनोद नाम ने कितनी जगह और कहां कहां झंडे गाड़ दिए। मैं आपको उनके वीडियो को कुछ पार्ट खा देता हूँ। What the hell is Binod? What is this? Why is everyone spamming it? Binod, 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 Binod. सबके मन में एक ही विचित्र सवाल। Who is Binod? अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टेक न्यूज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसरो के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो कि इसरो का नेक्स्ट मिशन गगनयान है, जिसके लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही थी रशिया में, लेकिन भाई कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो ट्रेनिंग रोक दी गई थी, लेकिन अब फाइनली ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वालकॉम चिप के बारे में। तो भाई अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस न्यूज हो सकती है, क्योंकि भाई एक रिसर्च में 400 से भी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई है क्वालकॉम चिप के अंदर, जो कि भाई बैकडोर हो सकती है हैकर्स के लिए, जो आपके फोन में घुस कर आपके डाटा को हैक करना चाहते हैं एंड वो आपके फोन को परमानेंट डिसेबल भी कर सकते हैं। तो भाई ग्लोबली एंड्रॉइड यूजर 3 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, तो भाई कितने लोग डेंजर में, शायद ये रीजन भी हो सकता है इतने ज्यादा चैनल हैक हो रहे थे यूट्यूब के। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।